हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास क्लास फोर्थ एक्सरसाइज 16.2। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में डिवाइड और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है ना जी। देखिए, मल्टीप्लाई द फ्लोइंग, रुपए पैसों के क्वेश्चन है तो हम इन्हें करेंगे। 2005.58 मल्टीप्लाई बाय 28, तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 5 जा 40 और 6 46, कैरी 4, है ना जी। 8 5 जा 40 और 4 44। तो स्टूडेंट, अगर आगे जीरो है तो सेम के सेम लिख देता है, कैरी नहीं लगाते, फिर इस पे नहीं चलाते, ठीक है जी। 8 0 0, 8 2 जा 60। अभी स्टूडेंट, इन्हें हम एक बॉक्स में एक ही लिखेंगे, है ना। 8 2 जा 16, कैरी 1 और 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, और जी 2 0 0, 2 2 जा 4, 4 12 6 5 1 6 5, है ना। अब देखो, जो पॉइंट है हमें इसके बारे में नहीं सोचना, जब पूरा क्वेश्चन हो जाए तब पॉइंट के बारे में हम सोचते हैं। देखो, पूरा क्वेश्चन हो गया, अब देखो 1 2 2 प्लेस पर पॉइंट है, रुपए पैसों में हमेशा 2 के बाद ही लगता है 1 2, तो जी ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, 4008.80, 21 से करेंगे। अगर किसी भी डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर जो भी डिजिट लिखी रहती है वह सेम की सेम आ जाती है। तो जी 0 के 0, 8 का 8, 8 का 8, 004 आ गई। अच्छा, हम दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते हैं, 0 के नीचे क्रॉस लगाएंगे, है ना। आप 2 से कर रहे हैं, 2 0 0, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 0 0, 2 4 जा 8, जीरो 8 8 और 6 14, कैरी 1 7 1 8, 0 1 1, 0 4 4 और 8 का 8। तो जी 2 प्लेस पर पॉइंट है तो हमने यहां 2 प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2800.09 38 से मल्टीप्लाई करना, 8 9 जा 72, तो आगे 0 है तो 72 का 72 लिख देंगे। 8 0 0 8 0 0, 8 8 जा 64, कैरी 6 और जी 8 2 जा 16 और 16 और 6 22, और अगले डिजिट से करना तो पहले डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे और 3 9 जा 27 और 3 0 0 3 0 0, 3 8 जा 24, कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8,
का 2, 7, 7, 14, 2 और 1, 3, 0 का 0, 4, 0, 4, और 4, 2, 6, और 8, 2, 10. तो 2 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे. तो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 180.08 50 सा. तो स्टूडेंट जीरो से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ऊपर जितनी भी डिजिट है सब जीरो हो जाती हैं. जीरो एट जा जीरो 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 एट जा जीरो जीरो वन जा जीरो और जीरो थ्री जा जीरो. पहली डिजिट के नीचे क्रॉस 5 8 जा 40. तो स्टूडेंट देखो इस तरह डिजिट के नीचे डिजिट लिखे हैं, ऐसा नहीं लिखते कि भाई 40 है तो 40 गुणा लिख दे, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, नहीं तो फिर ऐड करने में गलती हो जाओ. तो हमेशा डिजिट को डिजिट के नीचे लिखो. और 500 5 8 जा 40 कैरी 1 5 1 जा 5 और 4 9 5 3 जा 50 जीरो जीरो फोर जीरो जीरो नाइन फाइव वन. तो जी 1 2 2 प्लेस पर पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगा दें. क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट 1 भी मतलब मल्टीप्लाई होता है. तो जी 9.9534 4 5 जा 20 कैरी 2 और जी 4 9 जा 36 और 2 38 कैरी 2 फिर 36 हो जाएगा फिर 2 ऐड हो जाएगा तो 38 ही होगी. पहले डिजिट के नीचे क्रॉस 3 5 जा 15 कैरी 1 3 9 जा 27 और 1 28 27 और 1 27 और 2 29 4 5 जा 20 कैरी 2 और जी 4 9 जा 36 और 2 38 8 यहाँ आगा कैरी 3 और 3 4 9 जा 36 और 3 39 0 के 0 8 और 5 13 कैरी 1 9 1 10 और 8 18 9 1 10 और 3 13 और 2 और 1 3. तो 2 प्लेस पर पॉइंट है जी. ठीक हो गया. अब 92.6415 5 4 जा 20 कैरी 2 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3 5 2 जा 10 और 3 13 कैरी 1 और 9 5 जा 45 और 1 46 1 से कर रहे तो सेम की सेम आ जाएगी. जीरो 6 9 8 और 30 2 प्लेस पर पॉइंट. एट 3 8 जा 24 कैरी 2 और 3 4 जा 12 12 और 2 14 अगर 0 है तो 14 का 14 लिख देंगे
और 3 7 21 और 2 8 16 कैरी 1 और 2 4 8 और 1 9 और 2 0 0 और 2 7 14 4 4 और 6 10 कैरी 1 9 1 10 और 1 11 1 1 2 और ये 4 2 6 और 1 2 प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा ये आपका। तो जिसका एक क्वेश्चन रहेगा वो उसे भी ले लेते हैं। तो जी 8 5 40 कैरी 4 8 2 16 और 4 20 कैरी 2 8 1 8 और 2 10 कैरी 1 और 8 6 48 और 1 49 वन से करेंगे तो सेम आएगा 5 2 1 6 ऐड कर देंगे अब 0 5 5 0 2 2 9 1 10 कैरी 1 4 6 10 और 1 11 तो जी 2 प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा। तो जी ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी डिवाइड और 4 भी डिवाइड ही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड। तो इसे आपको क्या करना डिवाइड। फोर नाइन थ्री पॉइंट टू। तो स्टूडेंट अभी से 32 से करना। देखो ये 4 है, 4 32 से कम है तो चलने का नहीं। तो क्या करेंगे 9 को और मिला लेंगे, कितना होगा 49। 32 से ज्यादा होगा तो अब चल जाएगा। कितनी बार स्टूडेंट अगर आपसे टेबल बनाना नहीं आता तो पहले आप यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड प्लस करके आप टेबल बना लीजिए 32 का और उस टेबल को बना के फिर इसे यहाँ करिए। अगर आता है टेबल आपसे 32 का तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे नु मल्टीप्लाई करके कोई भी टेबल बना सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टेबल तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो इसलिए हम 1 से चलाएंगे। 9 में से 2 गए 7 और 1 में से 3 गए 1, ब्रेक डाउन कर लिया हमने 3। तो स्टूडेंट अब हम क्या चला के देख लेंगे, अंदर करो 5 3 15। तो 15 चला के 5 जब चला के देख लो 5 2 10 कैरी 1 5 3 15 और 1 16। तो जी देख लेते हैं चला के। थ्री वन देखो हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर से कम बचना चाहिए। अब ब्रेक डाउन क्या कर लिया हमने 3 तो कितनी बार चलेगी भाई 5 जो तो ज्यादा हो गए, 4 जो चला के देख लो 4 2 8 4 3 12 तो ये चल जाएगी। कितने हो गए जी 13, कितने बच गए 5, एक के लिए तो चला गया था यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है ना, 5 बच गए। अब हमें ब्रेक डाउन करना, लेकिन उससे पहले पॉइंट है जी, तो पॉइंट को सिर्फ ऊपर लिख दीजिए उठाकर। अब हम उतार लेंगे यहाँ पे 2 तो 4 जो तो ज्यादा हो जाएंगे अब कितनी बार चलेगी जी 2 से चला के देख लो 2 जब भी ज्यादा हो जाएगी तो 64 हो जा तो 1 जा चल जाएगी
जीरो, बच गए जी आपके टू, है ना। अब क्या करेंगे, पॉइंट तो लग ही रहा, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे नाइन था लेकिन भूल से थ्री उतर गया, लिख गया है तो यहाँ पे नाइन आ गया। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम डिजिट सही लिख रहे हैं या नहीं। तो यहाँ नाइन में से एट गया, वन बच गया आपके पास, तो यहाँ भी वन रह गया और यहाँ पे टू हो गया। अब हम यहाँ थ्री जा चला लेंगे, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, अब ट्वेल्व हो गया। ट्वेल्व में से हमने सिक्स माइनस कर दिया, कितना बच गया जी सिक्स, अरे इधर चला गया, यहाँ रह गया टेन, टेन में सेवन गए तो क्या बच गया, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, यहाँ हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व में से सिक्स गए सिक्स, यहाँ हो गया टेन, टेन में से ये गया बच गए वन। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास दशमलव तो लगी रही, एक जीरो उतार लो, फोर अब फाइव जो चला कर देख लो, फाइव टू जा टेन कैरी वन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और वन सिक्सटीन, तो ये फाइव जो चल दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट 28 है, अगर आपके आपसे 28 का टेबल आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप 28 को मल्टीप्लाई करके टेबल बना लेंगे। तो स्टूडेंट हम अगर 25 25 को तीन भी करें तो 75 हो जा, तो थ्री जो चलेगी टू जो चलेगी, टू एट जा 16 का 6 कैरी 5 और टू टू जा 4 और वन फाइव, 56 हो गए जी। अब यहाँ हो गए 11, 11 सिक्स गए 5, एक ही दो चला गया 6 रह गए तो वन यहाँ बच गया। तो हमेशा रिमाइंडर कम बचना चाहिए डिवाइजर से, एट। तो जी अब कितनी बार चलाएं, 28 को यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 टू जा 10 हो, 6 जा टू 12 हो, या तो 6 जा चलेगी 5 जा चलेगी, 7 जा चल सके तो 5 दे देख लो पहले, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 टू जा 10 14, तो ये इसके लगभग है। अगर 6 जा चलाएंगे 12 हो जाएगा और 4 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 5 जा चला लो, 8 5 8 जा 40 कैरी 4 और 5 टू जा 10 और 4 40 माइनस कर लो 8 1 0 और ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 5, तो जी 5 जो तो इतने थे,
और सिक्स चला के देख लो, सिक्स एट जा 48, कैरी फोर, सिक्स टू जा 12 और फोर कितने हो गए जी 16, है ना, तो चल जाएगी 861। यहाँ हो गए 15, 15 में से हट गए 7, यहाँ रह गए 7, 7 में 6 गए 1, ये 0। ओके स्टूडेंट, अब पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है जी, ऊपर रख देंगे फिर उतार लेंगे 6। तो स्टूडेंट देखिए, ये सिक्जे चलाई थी हमने, ये 8.5 थे, तो ये सिक्जे पे भी चल जाएगी, कमी है तो कितने हो गए 16, 16 में से हट गए 8, यहाँ रह गए 6, 6 में 6 गए 0 और 1 में से 1 गए 0 और ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 4। 52 जो तो कम रह जाएंगे, ये चलाई थी हमने, 3 जो चला के देख रहे हैं, 3 हट जा 24, कैरी 2 और 3 टू जा 6 और 2 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है ना। एक बार देख लेते हैं ये इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 4962.51। तो स्टूडेंट इसे हमें कैसे करना, 21 से करना, तो स्टूडेंट अगर आपसे 21 का टेबल नहीं आता तो आप 21 का टेबल भी लिख सकते हैं, 21 का टेबल तो एक मैजिक टेबल है, देखो कैसे लिखना मैं आपको एक मिनट में बता रही, अगर 21 का टेबल नहीं आता आपसे तो आप इसे मैजिक के जरिए ऐसे बना सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और जी 2, 2 से शुरू करके 2 पर तक लिखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है जी। अब ये टेबल लिख गया, अब इस टेबल में से देख के भी आप कर सकते हैं, देखो ये 49 है और 3 जा 63 है, जहां ज्यादा हो जाएगा उससे कम चलाते हैं तो 2 जा चलाएंगे तो माइनस कर लीजिए, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 0 रहेगी और ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 6। अब देखिए 4 जा ज्यादा हो गई है ना, तो 3 जा चलाएंगे, तो 6 में से 4 माइनस कर दिया 2 और गलत हो गया भाई, 3 जो तो 63 हो, 6 में से 3 माइनस कर दिया 3 और 6 में से 7 में से 6 माइनस कर दिया 1 और ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 2, तो देखिए कितनी बार चलेगी, ये तो ज्यादा हो गए यहाँ और ये कम है, तो ज्यादा से कम चलाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपने 6 चला लिए, तो 6 कितने हो गए भाई आपके 126 माइनस कर लीजिए 12 हो गए, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 2 गए 0 और 1 में से 1 गया 0। अब क्या है पॉइंट है, पॉइंट को उठा के ऊपर रख दीजिए, 5 को ब्रिंग डाउन कर लीजिए, अब देखिए 4 से ज्यादा हुआ है तो 3 जो चला लेंगे 63, क्या बच गया 2, 0, अब उतार लिया ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 1, तो 1 बार ही चल जाएगी, तो ये पूरा होगा कंप्लीट है ना। तो देखिए स्टूडेंट ये 1 है, 34 से कम है, 2 ऐड कर लिया 12 होगा, अब भी कम रहेगा 0 ऐड कर लिए, ठीक है जी। अब हम 4, 4, 3 जा 12, तो स्टूडेंट 4 भी है, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए 3 जा चलाएंगे,
थ्री फोर जा ट्वेल्व कैरी वन, और थ्री थ्री जा नाइन और वन टेन, तो एट होगा, यहाँ टेन हो गया, टेन में से टू माइनस कर दिया एट रहेगा, यहाँ वन थे, जीरो में से बन गए वन और वन में से बन गए जीरो, ठीक है जी। अब आपने ब्रेक डाउन कर लिया कितना सिक्स, और जी थ्री सिक्स जो एटीन हो और फोर भी आज ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए फाइव जो चला लीजिए, फाइव फोर जा ट्वेंटी की जीरो कैरी टू, और फाइव थ्री जा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, तो जीरो सिक्स में से जीरो गए सिक्स, और एट में से सेवन गए वन, और वन में तो वन गए जीरो। अब आपके पास सिक्स बच रहा, इस सिक्स को फिर उतार लीजिए, तो स्टूडेंट फाइव जो तो चलेगी नहीं, क्योंकि फाइव जो तो वन हंड्रेड सेवेंटी हो, तो इसलिए फोर जो चला लीजिए, फोर फोर जा सिक्सटीन कैरी वन, और फोर थ्री जा ट्वेल्व और वन थर्टीन, सिक्स में से सिक्स गए जीरो, और सिक्स में से थ्री माइनस कर दिए थ्री, और वन में से वन गए जीरो। अब स्टूडेंट ये पॉइंट ऐसे उठा के ऊपर रख दीजिए और टू को ब्रिंग डाउन कर लीजिए, है ना। अगर नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, है ना, तो लेकिन स्टूडेंट फोर भी आएगा, फिर उससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एट जा चला लीजिए, एट फोर जा थर्टी टू कैरी थ्री, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर और थ्री ट्वेंटी सेवन, टू में से टू गए जीरो, इधर हो गए टेन, टेन में सेवन गए थ्री, यहां भी टू रह गए, टू में से टू गए जीरो, थर्टी बच गया। अब सिक्स है, इसे भी ब्रिंग डाउन कर लीजिए, है जी। तो हम कितनी बार चलाएंगे, अब ये भी ये तो इससे ज्यादा हो गए भाई, तो नाइन जी चला लेंगे और क्या, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स कैरी थ्री, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन और थ्री थर्टी, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, डिवाइड द फ्लोइंग। तो स्टूडेंट ये भी डिवाइड की क्वेश्चन है, तो इन्हें भी करेंगे, फोर सेवन फोर टू पॉइंट फोर सिक्स एटीन से कर लेंगे, है ना। तो स्टूडेंट ये फोर है, एटीन से कम है, सेवन और मिला लिया, टू जा थर्टी सिक्स हो जा, है तो थ्री जा तो चलने की ज्यादा हो जाएगी, चौवन फिफ्टी फोर, और टू जा चला देंगे थर्टी सिक्स, और सिक्स में से सेवन में से सिक्स गए वन, और फोर में से थ्री गए वन, अब हमने ब्रिंग डाउन कर लिया फोर। अब स्टूडेंट देखिए, वन हंड्रेड फोर्टीन है, तो करीब सेवन या सिक्स जा चलेगी, है ना, तो देख लेते हैं कितनी बार चलेगी, सिक्स जो चला कर देख लेते हैं, है जी, चलो यही देख लेते हैं। सिक्स एट जा फोर्टी एट कैरी फोर, और सिक्स वन जा सिक्स और फोर टेन, या हो गई फोर्टीन, फोर्टीन में तो एट गए सिक्स, तो जीरो जीरो बची, है जी। अब हमने ब्रिंग डाउन कर लेना है टू, तो ब्रिंग डाउन कर लेना है, तो थ्री जा चल जाएगी अब फिफ्टी फोर, तो यहां हो गए ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फोर गए एट, एक के रिधर चला गया फाइव रह गए, फाइव में से फाइव गए जीरो। अब आपके पास पॉइंट आ गया, पॉइंट को उठा के ऊपर रख दीजिए और ब्रिंग डाउन कर लीजिए फोर, है ना जी। अब कितनी बार चलेगी, थ्री जो तो फिफ्टी फोर है, कम है, और जी
ये इससे अधिक हो जाएगा तो कितनी बार चला है, फोर जो चला के देख लो, फोर एट जा 32 कैरी 3 और फोर वन जा 4 और 3 7, फोर में से 2 गए 2 और 8 में से 7 गए 1। अब ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 6 है नहीं, तो अगर सेम जो चलाएंगे 56 हो जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा जी 5, 7 और 5 12 पूरा हो गया। नाइन फाइव जीरो थ्री पॉइंट जीरो एट इससे चला लो भाई, 9 का मैं 37 से चलने के लिए 5 वगैरह ऐड कर लिया 95 हो गए। अगर 2 जो 3 जो चलाएं और 7 जो 21 2 ये रह गए 9 और 3 11 ज्यादा हो जाएंगे, 3 जो ज्यादा हो जाएंगे भाई 2 जो चला लो है ना। 2 7 जो 14 कैरी 1, 2 3 जो 6 और 1 7 1 बच गए 2 बच गए उतार ली 0, 4 जा 12 हो 12 तो ज्यादा कम रह जाएंगे, 5 जा 15 हो 5 ये चला के देखते हैं, 5 7 जा 35 कैरी 3 और 5 3 जा 15 और 3 18 तो इधर 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5 यहाँ 0 रह गया, 10 हो गए 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 1 रह गए 1 में से 1 गए 0, 25 बचे कम ही बच गए भाई ठीक है। अब हमने ब्रिंग डाउन कर लिया 3 अब सीधे चला लीजिए 6 7 जा 42 कैरी 4 और जी 6 3 जा 18 और 4 22 1 3 0 कम बचेगा पॉइंट आ गया, उठा के ऊपर रख दीजिए और ब्रिंग डाउन कर लीजिए 0 अब ये और इसके इक्वल से चले गए है ना, तो 8 जो चलाओ या फिर 9 जो चलाओ, तो 8 जो चला के देखते हैं, 8 7 जा 56 कैरी 5 24 8 3 जा 24 और 5 29 10 10 में से 6 गए 4 और यहां भी रहेगी 0, यहां भी 10 हो गए 10 में से 9 गए 1 और यहां 0। अब आपने ब्रिंग डाउन कर लिया 8 अब 4 जो चला लो, 4 7 जो 28 कैरी 2 12 और 2 14 पूरा पूरा डिवाइड होता है लास्ट में दिखता मोस्टली पूरा ये डिवाइड होता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है तो कम से कम 9 जो तो चलेगी है ना, इसके लगभग ही जा रहा है 5 ही तो 10 ही तो कम है तो 9 जो चला रही है 9 6 जा 54 कैरी 5 9 5 जा 45 और 45 50 हो गया भाई है ना, 50 हो जाएगा ना,
नाइन में से फाइव माइनस कर दी, फोर माइनस कर दीजिए फाइव, और फाइव जीरो, 55 बचे, कम ही बचे है ना, एक कम है। तो फिर हमने फोर को ब्रिंग डाउन कर लिया, फिर भी भाई यही आ गया, फिर भी यही चलेगा है ना। फोर में से फोर गए, जीरो उतार लिया, फाइव फिर जीरो। अब ये पॉइंट ऐसे यहाँ रख दीजिए, अब इसे उतार लीजिए, फिर नुक्कड़ नीचे चल जाएगा, अब तो पूरा ही हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया ये। तो जी ये सेवन है, सेवन पर 43 का टेबल अप्लाई नहीं होने का, सेवन और मिला लें, 17 हो गए, अभी कम रह गए, फिर सेवन और मिला लें, 177 हो गए, ठीक है जी। तो अब हम इस पर चलाएंगे, तो स्टूडेंट फोर जो चला के देख लेते हैं, फोर थ्री जा 12, टू कैरी वन, और फोर फोर जा 16 और 170। सेवन से टू गए फाइव, सेवन सेवन गए सेवन, और वन वन हो गए जीरो। ब्रेक डाउन कर लिया फोर, तो स्टूडेंट वन जो चल जाएगी अब तो 53, वन बच गया, यहाँ पे वन बच गया, और ब्रेक डाउन कर लिया आपने एट, थ्री जो 12 हो जाएगा, 12 11 से ज़्यादा हो तो इसलिए हम टू जा चला लेंगे, थ्री टू थ्री जा 6, और टू फोर जा 12, नहीं टू फोर जा 8, कितना हो गया जी 18, 8 है यहाँ, 8 में से 6 गए 2, अब यहाँ 11 है, 11 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितने बच गए 3, अब पॉइंट आ गया, इसे उठा के ऊपर रख दीजिए, और हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे 2, ठीक है जी। 7 फोर जा 28 हो, और 8 जा 32, और 3 भी है तो ज्यादा हो जाएगा, 7 जा चला लीजिए, 7 3 जा 21 कैरी 2, और 7 4 जा 28 और 2, टू में से वन गए वन, और टू में से जीरो गए टू, और जीरो ब्रिंग डाउन फाइव, अब फाइव जा चला लीजिए, फाइव थ्री जा 15 कैरी वन 20 और 21, तो पूरा डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये भी खत्म होगा, अब इसके चार सॉल्यूशन है जी, अब उन्हें कर लेते हैं। स्टूडेंट सभी अपनी बुक ओपन कर ले, उसमें क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन इन्वर्टर इज 4321 रुपीज 60 पैसे, फाइंड द प्राइस ऑफ 36 सच इन्वर्टर्स। स्टूडेंट एक जो एक इन्वर्टर है, जो उसकी कॉस्ट है, उसकी कीमत है 4321.60 रुपये है जी एक की, और आपको 36 की बतानी है, ऐसे ही जैसे वो इन्वर्टर है बिल्कुल सेम उसी प्राइस के 36 इन्वर्टर अगर आपको चाहिए तो कितने के होंगे। स्टूडेंट हमेशा याद रखें, अगर एक के दाम दे रखे हैं आपको एक चीज़ के कोई भी हो, और ज़्यादा के पूछता है, तो वो क्वेश्चन हमेशा मल्टीप्लाई का होता है, ध्यान रखिए है ना, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा की चीज़ आप लोगे है ना, तो वो ज़्यादा पैसों की आएगी ना, तो ज़्यादा कब आएंगे, जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना, द प्राइस ऑफ एन इन्वर्टर इज इक्वल टू इतने, द प्राइस ऑफ 36 इन्वर्टर इज इक्वल टू, तो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो करिए जी, 600, 6 6 36, कैरी 3, और 6 1 6 और 3 9, 6 2 12, कैरी 1, 6 3 18 और 1 19, कैरी 1, और 6 4 24 और 1 25। अब पहले डिजिट के नीचे क्रॉस लगा लेंगे। अब 3 से करेंगे, 300, 3 6 18, कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, और 3 2 6, और 3 3 9, और 3 4 12। ठीक है जी, अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 0 6 7, और जी 7 5 5 5 1। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने इसमें ये नहीं देखा मल्टीप्लाई करते वक्त दशमलव कहाँ है और कहाँ नहीं। दशमलव तभी लिखते हैं जब पूरा आंसर आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ से देखता है 1 2 2 प्लेस पे है, तो इधर से भी ऐसे ही लगा देता है 1 2 2 प्लेस पे। वैसे ये क्वेश्चन रुपए पैसे का है तो हमेशा 2 डिजिट के बाद ही लगेगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका 20 समझ लीजिए। द प्राइस ऑफ वन लेदर जैकेट इक्वल टू 1680 रुपीज 50 पैसे, फाइंड द प्राइस ऑफ 68 सच ए जैकेट। तो बिल्कुल सेम है, एक जैकेट के दाम दिए गए हैं आपको, मूल्य दिया गया है, और 68 का पूछ रहा है, तो 68 के ज्यादा होंगे, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इससे भी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो स्टूडेंट अब इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, द प्राइस ऑफ ए जैकेट इज इक्वल टू इतने, एंड द प्राइस ऑफ 68 जैकेट इज इक्वल टू 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800, 85 40, अगर 0 है तो 40 का 40 लिख देंगे, है ना, 8 8 64, कैरी 6, 8 6 48, 48 और 6 54, कैरी 5, 8 1 8, 8 और 5 30। पहले डिजिट के नीचे क्रॉस आ जाएगा। एट जीरो जीरो, 8 5 30, और 8 6 48, कैरी 4, 6 6 36 और 4 40, कैरी 4, और 6 1 6 और 4 10। जीरो जीरो फोर सेवन टू फोर वन वन। तो स्टूडेंट 2 प्लेस पर पॉइंट लगेगा, तो ये लग गया जी पॉइंट, और पॉइंट के बाद में दशमलव जीरो की कोई अहमियत नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, है नी। अब स्टूडेंट सोल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 5 का सी। तो इसकी भी लैंग्वेज देख लीजिए भाई, पहले क्या है, इफ वन इलेक्ट्रिक कूलर कॉस्ट, एक इलेक्ट्रिक कूलर है जिसकी कॉस्ट है जी 6,259 रुपीज 42 पैसे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 19 सच ए कूलर। तो ऐसे ही आपको 19 यानी कि 19 कूलर की कॉस्ट बतानी है, कीमत बतानी है, कितने माएंगे। एक तो इतने में आता है, तो 19 कितने माएंगे, ज़्यादा माएंगे, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, तो इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6,259 रुपीज 42 पैसे,
तो जी द कॉस्ट ऑफ 19 कूलर इज इक्वल टू, तो हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 18 कैरी 1 और 9 4 36 और 137 कैरी 3, 9 9 81 81 और 384 कैरी 8, 9 5 45 45 और 8 53 कैरी 5, 9 2 18 18 और 5 23 कैरी 2 और 9 6 54 55 56। तो स्टूडेंट अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम की सेम डिजिट आएगी, 2 का 2, 4 का 4, 9 का 9, 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6। अभी ना ऐड कर दो, 8 का 8, 9 9 2 18 कैरी 1 है जी, और 9 4 36 और 137 कैरी 3 और 9 9 81 81 और 384 कैरी 8 और 9 5 45 अजी 53 तो जी 4 4 8, 9 3 12 कैरी 1, 5 3 8 1 9, 6 2 8 और जी 6 5 11। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया इसका, बस लास्ट क्वेश्चन रह गया 5 का D, उसे भी आप समझ लीजिए एक बार। द कोर्स द टूर ऑफ द टूर एक्सपेंसेस फॉर 38 गर्ल आर 9,665 रुपीज 30 पैसे, हाउ मच अमाउंट विल बी पेड बाय द ईच गर्ल। देखिए स्टूडेंट 38 गर्ल्स का जो खर्चा है वो इतना है ना, और नो पूछ रहा है एक का बताओ, और पहले एक का बता रहा था और ज्यादा का पूछ रहा था, अब ज्यादा का बता रहा है एक का पूछ रहा, अगर कम का पूछता है वन का पूछता है तो हमेशा डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर जो ना तो वन का दिया हो ना वन का पूछ रहा हो तो पहले वन का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, लेकिन ऐसा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो वन का पूछ रहा तो आप इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, द टूर एक्सपेंसेस फॉर 38 गर्ल इज इक्वल टू 9,665 रुपीज 30 पैसे, द टूर एक्सपेंसेस फॉर वन गर्ल इज इक्वल टू, तो हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए स्टूडेंट ये क्या है, 9 है ये 38 कम है तो 6 और ऐड कर लेंगे, कितना होगा 96, तो हम कितनी बार चलाएंगे, 2 3 चल जाएगी सर, 3 8 24 कैरी 2 और 3 3 9 9 10 11 ज्यादा होगी भाई चलती भी।
स्टूडेंट हम इसे टू जा चला लेंगे, नाइन टू जा 18 कैरी वन, सिक्स और वन सेवन, 38 टू जा 78 और यह हो गया 16, 16 में से 8 माइनस किए 8 बच गए, यहाँ रह गए थे 8, 8 में से 7 गए 1 और ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 6। अब स्टूडेंट देखिए कितनी बार चलाए, छ 6 3 जा 18, तो 6 जा तो चलने की नहीं, 4 जो चला के देख लेते हैं इस साइड, 4 टू जा 4 8 जा 32, 3 4 3 जा 12 और 3 15 है जी, तो यहाँ बच गए 4 और बच गए 3, तो चल जाएगी 4 जो चल जाएगी 1 5 2, तो यहाँ 4 रह गए और यहाँ 3 यहाँ 0, ठीक है जी। अब आपने ब्रिंग डाउन कर लिया 5, तो स्टूडेंट 8 जो चला के देख लेते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 3 जा 24 और 6 30 कम हो गए, तो 9 बार चला के देख लेते हैं, 72 7 27 34, तो 9 जो चल जाएगी, बच गए 300, लगा दिया पॉइंट, ब्रेक डाउन कर लिया 3 और जी 1, ये 38 है, ब्रेक डाउन करने के बाद भी नहीं चलती, तो हमने लगा दी 0 और उतार ली 0। अब स्टूडेंट 5 जो चला के देख लेंगे, 5 8 40 असल 4 और 5 3 जा 15 और 5 जा तो नहीं चलनी, दोबारा देखनी पड़ेगी। स्टूडेंट वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया था वहां एक नंबर, तो इसलिए से दोबारा करेंगे, तो भाई 2 जो चला रहे, 2 8 जा 16 कैरी 1 और 2 3 जा 6 और 1 7 0 2, ब्रेक डाउन कर लिया 6। अब जी 5 जो चला लेंगे, 8 5 जा 40 कैरी 4 और 5 3 जा 15 और 4 90, 6 1 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 5। अब 4 जा चला लेंगे, 4 8 जा 32 कैरी 3 और जी 3 4 जा 12 और 3 15, कितने बच गए 3 1 0, पॉइंट लगा देंगे, ब्रिंग डाउन कर लिया 3। अब 3 जो चला लेंगे, 3 8 जा 24 कैरी 2 9 और 2 11, यहाँ हो गए जी कितने 13 हो गए, तो 9 बच गए, यहाँ 2 1 0, ब्रिंग डाउन कर ली 0।
अब 5G ये चलाई रखी हमने यहाँ 5G 190। स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन हो रहा है जी, लास्ट क्वेश्चन। का लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ 14 इक्वल गोल्ड रिंग इज RS 18,799 रुपीज 76 पैसे। व्हाट इज द विल बी द कॉस्ट ऑफ द वन रिंग। जो 14 गोल्ड रिंग है उनकी जो कॉस्ट है वो इतनी है, और एक वन की बतानी है आपको। वन की बतानी तो डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसे भी कर लेते हैं जी। सॉल्यूशन 5 का ई, द कॉस्ट ऑफ 14 रिंग्स इज इक्वल टू इतनी, द कॉस्ट ऑफ वन रिंग इज इक्वल टू, तो 14 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। तो जी 14 8 में से 4 गए 4, 1 में से 1 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 7। अब 3 का चला लेंगे 42 और 7 में से 2 गए 5, 4 में से 4 गए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 9। तो कितने हो गए, अब फौजा चला लेंगे 56, तो कितने बच गए जी 3 0। अब 9 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे कितने हो गए 39, पूजा चला लेंगे 28, कितने बचे 1 और 1, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 7, ब्रिंग डाउन कर लेंगे है ना। अब कितनी बार चल जाएगी 8 से चला कर देख लेंगे 8 4 32, कैरी 3 एटर 3 आ लेगी, तो कितने बच गए जी 5 0 0। अब आप क्या करेंगे 6 को ब्री डाउन कर लेंगे 4 56। स्टूडेंट क्या आंसर आ गया आपका वन रिंग का, आंसर भी लिख दीजिए आप। 1342 रुपीज 84 पैसे, तो ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ ही आपकी जो यह वीडियो है ये समाप्त हो गई। इस कहीं किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपको मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।